अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं सलीम खान इस्तकबाल करता हूँ मेरे YouTube चैनल कारनामा पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम स्विफ्ट के बारे में बात करेंगे। ये व्हीकल के जैसे ही हम RPM लेते हैं, जैसे ही हम एक्सेलरेट करते हैं, ये इसके RPM फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं, तो गाड़ी सही से वर्क नहीं कर रही है। जैसे ही हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसके RPM फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे और इसके RPM काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि क्या इसके सॉल्यूशन के लिए हमें करना होगा। तो वीडियो में आखिरी तक बनी रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी के ऊपर हमने एक ECM रख रखा है, तो आपको लग ही गया होगा कि इसमें हम लोगों को ECM चेंज करना है। जैसे कि हमारे जो RPM फ्लक्चुएट कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग हमने देखा कि कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा था। हमने स्कैनर में भी चेक किया, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। और उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें करके देखी। हमने फ्यूल प्रेशर चेक किया, हमने रेल प्रेशर सेंसर चेक किया, हमने DRV चेक किया और हमने इसकी कंप्लीट वायरिंग भी चेक की। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी खुली हुई लग रही है, तो हमने इसकी वायरिंग भी चेंज करी। तो अल्टीमेटली अब हमने मतलब एक सारी प्रोसेस कर ली। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार ECM में प्रॉब्लम होगी, तो हमें डायरेक्टली वैसा नहीं जाना है, हमें पहले गाड़ी को पूरा कंप्लीट चेक करना है। तो हमने भी गाड़ी को पूरा चेक किया और इसमें अब हम नया ECM लगा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा जो ECM का नंबर है वो है 74LP, जो कि ये स्विफ्ट 2015-16 के बीच का मॉडल है, तो उसमें ये लग लगता है। तो हमने एक ECM मार्केट से लिया है, सेकेंड है, और अब हम उस ECM को लगाएंगे। और ECM को लगाने के बाद हमें इस ECM को प्रोग्राम करना होगा गाड़ी के अंदर। तो हमने ECM को लगा दिया है और आप जैसा कि देख सकते हैं, इसका जो इमोबिलाइज़र लाइट होती है, जो सिक्योरिटी लाइट होती है, वो इसकी ब्लिंक कर रही है, यानी कि अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसके लिए हमें इसको प्रोग्राम करना होगा, इस चाबी को। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग का क्या तरीका है, कैसे इसको प्रोग्राम करेंगे। तो इसके लिए हमने हमारा टूल जो है कि OBD*DP5 ये इसमें कनेक्ट कर दिया है और हम लोग इसके प्रोग्राम में जाएंगे, जो कि है कार इमो। इसमें हम लोग एशिया में जाने के बाद हम लोग मारुति सिलेक्ट करेंगे और मारुति के अंदर हम स्विफ्ट में जाएंगे। हमने मारुति प्रेस किया, यहाँ पे हम सिलेक्ट फ्रॉम व्हीकल से जाएंगे, हमारा व्हीकल स्विफ्ट है। तो हम फॉर द सिक्योरिटी इसका जो पिन है वो रीड कर लेते हैं, कि अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे और हमें किसी तरह के कोड को पूछेगा, पिन कोड को, तो हमें डालने के लिए पिन कोड चाहिए। तो इसीलिए हमने इसके दोनों 4-digit 8-digit कोड को रीड कर लिया है। तो इसका हमने फ़ोटो भी ले लिया, स्क्रीनशॉट ले रखा है हमने। तो अब हम लोग व्हीकल में जाएंगे, स्विफ्ट सिलेक्ट करेंगे। स्विफ्ट में हमारा व्हीकल, जैसे कि मैंने बताया, 15-16 है, तो हमारी ब्लेड वाली है गाड़ी। और इसमें हम लोग ये Type 5 को सिलेक्ट करेंगे, जो कि 2012 से 2018 ID 46 है, हमारी जो चाबी है वो ID 46 है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, की प्रोग्रामिंग ऑप्शन आ रहा है, हम विदाउट पिन में जाएंगे। वैसे पिन है, पहले हम विदाउट पिन ही जाएंगे। अगर विदाउट पिन हमारा काम हो जाता है तो हमें पिन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी ये सिस्टम पूछ रहा है, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन ऑल की विल बी रेज। हम लोग इंटर कर देंगे, हमारी सारी की पहले जो भी इसमें होगी वो रेज हो जाएगी और हमारी ये नई चाबी प्रोग्राम होगी, जो भी इसकी पुरानी चाबी है गाड़ी की, एक ही की चाबी है हमारे पास। तो ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई हमारी और लिखा है प्रोग्राम सक्सेस, वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट वन। हमें अगली की नहीं करना है, तो हम एस्केप पे प्रेस कर देंगे और टोटल हमारी की एक प्रोग्राम सक्सेस हो चुकी है। तो अब हम लोग इग्निशन बंद करके इग्निशन को फिर से चालू करके देखेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग सक्सेस हुई है या नहीं। इसके लिए हमें इमीडिएट चाबी निकाल के हम लगा सकते हैं महिंद्रा, जैसे हमें 2 मिनट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये चाबी निकाली, ये लगाई और हमारा सिक्योरिटी लाइट गया और चला गया। तो सक्सेसफुली हमारी की प्रोग्रामिंग हो गई है फ्रेंड। तो इसी पर अगर आपको वीडियो पसंद है अभी तक, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हमने व्हीकल स्टार्ट कर दिया है। अब हम, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम थी
आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहे थे, हम लोग गाड़ी को एक्सेलरेट करके देखेंगे हम गाड़ी के अंदर। तो अभी हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी सही से एक्सेलरेट हो रही, किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली ये एक्चुएट हो रही है, गाड़ी हमारी एक्सेलरेट हो रही है, किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन आरपीएम में किसी तरह के कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत ही इजीली DP5 की मदद से हमारी ECM हमने चेंज कर दिया। जैसे कि लोग सवाल पूछते हैं कि हमें ECM चेंज करने के लिए किसी तरह की और प्रोग्रामिंग करना होगी, तो नहीं, हमने सेम मॉडल का ECM लगाया और हमने की प्रोग्रामिंग फंक्शन से हमारी चाबी प्रोग्राम कर दी, हमारा ECM चेंज हो गया। और इस व्हीकल में हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी ECM के बदलने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और उम्मीद है आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे मदद मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।